हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोम्स IAS। मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड टुडे आई एम विद चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 10th इकोनॉमिक्स। सो लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1-2 डिस्कस कर चुके थे। सो हेयर इज चैप्टर 2 विच इज़ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो ना बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो एक्टिविटीज़ जिसमें ना मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें मनी का लेन देन होता है, ठीक है? वो जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ना क्लासिफाई किया गया है, ठीक? और उन क्लासिफिकेशन को हम सेक्टर्स बोलते हैं। तो उनकी क्लासिफिकेशन के बेसिस बेसिकली होते हैं कि उन इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर कैसा है, ठीक? उसके अलावा जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है उसका कंडीशन कैसी है, और जो थर्ड है वो है उनका उसका ओनर कौन है, ठीक है? ये तीन बेसिस होते हैं सेक्टर को डिवाइड करने के लिए। तो हम सबसे पहले वाला डिस्कस कर लेते हैं। सो किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और क्या उसका नेचर है, वो है फर्स्ट क्राइटेरिया। तो इसके अंडर हम तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। सो वेरी फर्स्ट इज जिसमें हम जो एक्टिविटी है वो मेन एंटायरली नहीं बट मेनली डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पे, और इस सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि ये सेक्टर बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, इसलिए हम इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल है एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है? अब है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है या फिर जो रॉ मटेरियल्स है, उन रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करके जब हम फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, या फिर उनका पूरी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जिस सेक्टर में होती है उसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है? सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, बिकॉज उसमें मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है। उसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद आता है। बेसिकली टर्शियरी सेक्टर में आती है सारी सर्विसेज। तो ये है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को कौन इजीली वर्क करवाएगा, वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है। उसके अंदर सारी सर्विसेज आती है, जैसे प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड ट्रेड एक्सेट्रा, ठीक है? तो इसको जैसे हमने बोला कि यहाँ पे सारी सर्विसेज है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर में सर्विसेज है, सारी एसेंशियल सर्विसेज, बट इसमें किसी भी तरह का गुड का प्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है? सो अब हम देखते हैं अगला क्राइटीरिया विच इज़ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। तो हम यहाँ पे ये कंपेयर कर सकते हैं कि इन तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से सेक्टर में होता है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्टर है उधर हम एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, और जबकि जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें हम रॉ मटेरियल को सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर हम इन सभी को काउंट करेंगे कि कितना कितना गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक? तो इकोनॉमिक्स सजेस्ट करते हैं कि वो गुड्स और सर्विस को काउंट करने से अच्छा है हम वो अमाउंट काउंट करें जो उनका एक्चुअल अमाउंट हो सकती है, ठीक है? सपोज कि कोई भी गुड है, अगर सपोज वो टेबल है, तो उस टेबल को काउंट करने के बजाय उसका जो रियल कॉस्ट है उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक? तो हम क्या करते हैं कि जिस भी चीज़ का अगर हम टेबल का फाइनल कॉस्ट ले रहे हैं, तो वो एक फाइनल गुड होना चाहिए, ठीक है? वो इंटरमीडिएट गुड नहीं होना चाहिए। अब इंटरमीडिएट और फाइनल गुड में क्या डिफरेंस है कि फाइनल गुड्स एक फाइनल कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम किया जाता है, जबकि एक जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो प्रोड्यूसर भी यूज़ कर सकता है, ठीक? तो जब हम फाइनल गुड्स का सारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ऐड करके ये पता करते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ थ्रू आउट दैट ईयर, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GDP, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि GDP विद इन अ कंट्री होती है, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक? सो अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल सेक्टर्स में ना काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है। पहले मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब मैक्सिमम ऑफ द लोग, वो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट थे, ठीक है? उनका सारा एम्प्लॉयमेंट फार्मिंग में ही था। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में और फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल फैक्ट्रीज में काम करते थे,
बट पास्ट 100 ईयर्स में सेकेंडरी से लोग टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हो गए और लोग अब लोग खुद सर्विस बनाना शुरू कर दी लोगों ने इंस्टेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड करने में। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इंडिया में कितना, इंडिया की जीडीपी में बेसिकली कितना कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, सब यहाँ पे देखो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कितना जीडीपी में वो करता है, वो हमें टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक, 1973-1974 में हम देखें तो तीनों ही सेक्टर में इतना कुछ खास प्रोडक्शन, इतना कुछ खास यू नो जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट हम 2013 और 14 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जो सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में वो है प्राइमरी सेक्टर। देखो उसके बाद टर्शरी सेक्टर, उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर और फिर प्राइमरी सेक्टर। ठीक, सो अब देखो टर्शरी सेक्टर में ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस अचानक से राइज हो गया। ठीक, इसके ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो हम सारे रीजंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहला, कोई भी कंट्री है, सपोज कोई भी कंट्री है, उसके लिए आपको कोई भी सर्विसेज की ज़रूरत होती है। मतलब अगर कंट्री है, उधर पॉपुलेशन है, तो ऑफकोर्स सर्विसेज तो चाहिए ही। सपोज हॉस्पिटल तो ज़रूरी है, राइट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी चाहिए ही चाहिए, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा, ये सब कुछ तो बेसिक सर्विसेज है ना, और ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। सो इसके लिए टर्शरी सेक्टर का होना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सेकेंडली, जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, तो ऑफकोर्स सर्विस सेक्टर भी अपने आप डेवलप हुआ। बिकॉज अगर आप देखो एग्रीकल्चर और टर्शरी सेक्टर डेवलप हो रहा है, तो सपोज एग्रीकल्चर में कोई भी फार्मर है, सपोज ठीक है हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कोई भी फार्मर है और वो कोई भी क्रॉप उगाता है, अब उस क्रॉप को उसको लेके जाना है मार्केट तक, तो उस मार्केट में उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अगर अब आप देखो, अगर जो फार्मर है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी अपने आप डेवलप करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, राइट। उसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा क्रॉप है, तो वो फार्मर वो क्रॉप को कहीं तो सेव करेगा ना, सपोज गोडाउन है या वेयर हाउस है, उसमें भी तो वो उसको सेव करके ही रखेगा, तो वो भी तो सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। सो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आई होप आप समझ गए होगी कि कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री टर्शरी सेक्टर को भी डेवलप होने में हेल्प कर रही है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड, जब लोगों की इनकम राइज हो रही है, तो लोगों की कुछ डिमांड्स भी राइज करेगी। जैसे लोगों को बाहर जाके खाना है, टूरिज्म करना है, शॉपिंग करनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए एक्सेट्रा, तो इन सब के लिए भी तो सर्विस सेक्टर का होना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जिसमें जब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी अब राइज हो रहा है, हो गया है अब तो बेसिकली, अब आप देखोगे कि तो हर घर में आपको स्मार्टफोन और पीसी मिलेगा ही मिलेगा, तो इस चीज़ की राइज में भी तो टर्शरी सेक्टर तो होना ही चाहिए, राइट। अगर वो चीज़ है वो आप तक पहुंच तो रही है, अगर सपोज़ एक मोबाइल फ़ोन है वो आपके पास वाले मार्केट में पहुंच ही रही है, तो उस मार्केट में जो चीज़ है वो भी तो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, जो एडवर्टीजमेंट हो रही है वो भी तो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, राइट। सो अब यही है कुछ टॉपिक्स जिसके थ्रू हमें ये तो समझ आ ही गया होगा कि क्यों टर्शरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सन है, ये तो इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। सपोज एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं स्कूल का। ठीक है, स्कूल तो टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आता है। अगर एक विलेज है, उस विलेज में बच्चे तो होंगे, उन्हें स्कूल तो जाना ही है, ठीक है, एजुकेशन तो लेनी है, तो स्कूल भी तो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि मान लो उस विलेज में सिर्फ फार्मिंग ही होती है, लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, फिर भी अगर वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, फार्मिंग इंक्रीज हो रही, तो स्कूल भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, राइट। सब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में शेयर है वो टर्शरी सेक्टर का है, बट अगर हम ये ग्राफ में पढ़े तो 1977-78 और 2017-18 में हम चेक करेंगे तो अबाउट 71% ऑफ द पीपल वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, 11% ऑफ द पीपल सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है और 18% टर्शरी सेक्टर पे। ठीक है, 2017-18 में हम देखें तो 31% इंक्रीमेंट तो है। ठीक है, 31% लोग जो है वो टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है।
25% लोग सेकेंडरी सेक्टर में और 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंट है, सॉरी एम्प्लॉयड है। बट अगर हम इसको देखें तो सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। बट ऐसा क्यों है? बट जीडीपी का सबसे ज़्यादा शेयर तो टर्शरी सेक्टर कर रही है, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसका एक बहुत बेसिक और मेन रीज़न है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक इंस्टेंस हम लक्ष्मी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक फील्ड है, ठीक है, लक्ष्मी ही है, उसका फील्ड है। लक्ष्मी लक्ष्मी के घर पे करीब 5 लोग हैं। वो 5 लोग मिलके इस फील्ड पे काम करते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि 5 में से 2 लोग ऐसे हैं जो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है, मान लो अगर वो 2 लोग नहीं भी है, अगर सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो भी उस फील्ड में कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब उन 2 लोगों का होना या नहीं होना में कोई फ़र्क नहीं हुआ, मतलब उनका हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये 2 लोग अंडर एम्प्लॉयड है। तो ऐसे में सपोज अगर कोई बड़ा लैंडलॉर्ड है, ठीक है, तो वो ऐसा बोलता है लक्ष्मी को कि तू अपने विलेज के अपने परिवार के 2 लोग मेरी फील्ड में काम करने को भेज दे, बदले में मैं उनको पे करूँगा। तब ये लोग एम्प्लॉयड होंगे, तब ये लोग अंडर एम्प्लॉयड नहीं होंगे, क्योंकि वो पे कर रहे हैं, ठीक है, और वो किस कहीं और जाके काम कर रहे हैं। ये 3 लोग इस फील्ड के लिए सफिशियंट है, ठीक। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये जो 2 लोग हैं ये अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब फार्मिंग में अबाउट बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है और उसमें से बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड भी है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि जो 2 लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयड है, उनका लेबर एफर्ट वेस्ट होता है, ठीक है। वो जो एफर्ट उसमें डाल रहे हैं वो वेस्ट हो रहा है, ठीक, सिंपल एज दैट। सो उसके बाद हम पढ़ते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हमें यहाँ तो पता चल गया कि जो प्राइमरी सेक्टर है उधर लोग तो ज़्यादा हैं, बट उसमें से काफ़ी अंडर एम्प्लॉयड भी हैं। तो हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे बनाएं, ये एक बहुत ही यू नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम कैसे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बनाएं। तो उसके लिए एक बहुत ही जो हम पढ़ सकते हैं, मतलब जो हम बोल सकते हैं कि होनी चाहिए चीज़ें, वो है कि बैंक उन्हें ना कम इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड कर दे, ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना हो। अगर फार्मर लोन लेंगे तो वो ऑफकोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद नए डैम कंस्ट्रक्ट हो, नए कैनल्स भी बने ताकि लोग इजीली इरिगेट कर सके, ठीक है, तो लेबर एफर्ट वेस्ट नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। उसके अलावा गवर्नमेंट को ना इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में। अब इसका ना एक बहुत ही वो भी हो सकता है कि अगर जो गवर्नमेंट है और जो पिछड़े हुए विलेजेस है ना, जहाँ पे रोड्स नहीं है, जहाँ पे अभी भी स्टोरेज के लिए जगह नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है, रोड्स नहीं है, ऐसी जगह के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक। उसके बाद हमने जैसे अभी पढ़ा, जो ऐसी इंडस्ट्रीज है और मतलब जो ऐसे विलेज है जो काफ़ी पिछड़े रह गए हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करना चाहिए ताकि उधर भी एम्प्लॉयमेंट बने और बढ़े भी, ठीक। उसके बाद है कि ये बोलता है कि 5 से 29 ईयर्स के लोगों में जो मतलब सबसे पहले ये है कि 60% ऑफ आर पॉपुलेशन, जो 60% है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन, वो 5 to 29 ईयर्स के लोग हैं, और उनमें से सिर्फ 15% लोग हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जो बचे हुए लोग हैं वो या तो घर पे बैठे हैं या फिर वो लेबर कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर्स कर रहे हैं। और मेन पॉइंट क्या है कि ये जो बच्चे हैं ये 18 ईयर्स से लेस है एज में, ठीक। तो इसके लिए अब हम इसके लिए गवर्नमेंट ये भी पता चला है कि अबाउट 20 लाख जॉब्स वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही कर सकते हैं। मतलब 20 लाख जॉब्स तो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही अवेलेबल है। उसके अलावा जैसे हेल्थ, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, उसमें भी हमें और डॉक्टर और नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स की भी ज़रूरत है। जैसे अभी कोविड आया था तो हमें पता चला था। तो जब इतनी सारी जॉब्स है फिर भी लोग अंडर एम्प्लॉयड क्यों है, ठीक, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी कंट्री डेवलप भी नहीं हो रही, ठीक। तो जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर गवर्नमेंट ने अराउंड 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में
गवर्नमेंट ने मनरेगा 2005 यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें गवर्नमेंट इंश्योर गवर्नमेंट गारंटी करती है 100 डेज की वो हमें देंगे ही देंगे एम्प्लॉयड के, और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो वो हमें देंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब अगर वो अभी 100 दिन नहीं दे पाते तो उन 100 दिन के बदले का वो लोग हमें पे करेंगे, ठीक है। अब इससे हमें राइट टू वर्क, जो हमारा एक राइट है राइट टू वर्क, इसको भी हाईलाइट किया जाता है, ठीक। अब इसके इसके बाद हम सेक्टर को डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे, कि एग्जांपल है कांता और कमल का, ठीक है। सो कांता एक वुमेन है जो एक ऑफिस पे काम करती है, ठीक है। वो अपने ऑफिस में 9:30 AM से 5:30 PM तक जाती है, ठीक है, और उसको रेगुलर सैलरी भी मिलती है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद अगर वो ओवर टाइम करे तो उसको एडिशनल सैलरी भी मिलती है, ठीक है। उसको मेडिकल और अदर अलाउंस भी मिलती है। उसको कांता को पेड हॉलीडेज मिलती है, ठीक है, और वो संडे को स्कूल नहीं जाती। वट इज़ पेड हॉलीडे, मतलब अगर वो छुट्टी लेती है, अगर हॉलीडे है और वो छुट्टी लेती है तो उसको उसके बदले में पे मिल जाती है, ठीक है। तो जब उसने ज्वाइन किया तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला जिसमें उसके सारे टर्म और कंडीशंस दी गई थी, ठीक। अभी तक तो सब ठीक है। अब हम बात करते हैं कमल के बारे में। सो जो कमल जी है वो कांता जी के लेबर है, सॉरी नेबर है। वो एक डेली वेज लेबर है एक ग्रॉसरी शॉप में। तो वो 7:30 से शाम को 8 बजे तक जाते हैं उस शॉप में, ठीक है। उनको कोई अलाउंस नहीं मिलता उनके वेजेस के अलावा, और जिस दिन वो ऑफिस उस शॉप में नहीं जाते उनको उनके बदले में पे नहीं मिलती है, ठीक। उसके बाद उनको कोई फॉर्मल लेटर नहीं मिला था जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो इसका मतलब है उनका जो एम्प्लॉयर है वो कभी भी उनको बोल सकता है कि आप जॉब छोड़ के जाओ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कांता जी है, कांता काम करती है एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ठीक, और कमल जी काम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे, ठीक। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट हर चीज़ सुपरवाइज करती है, ठीक है, हर चीज़ का सब कुछ गवर्नमेंट देखती है, और इसीलिए शायद हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सके। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब कुछ फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स उन्हें काम करना पड़ता है, उनको वेजेस मिलती है, उनको हॉलीडेज भी मिलती है, जबकि ऑन अनऑर्गेनाइज उसका बिल्कुल अपोजिट और गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ देखो, अराउंड प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में अर्न 1% पीपल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक। सेकेंडरी में 41 और टर्शियरी में 40, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम देखें तो 74 और 88, जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट है, ठीक है, मतलब 74 मिलियंस पीपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में, और 41 मिलियन पीपल ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और टर्शरी सेक्टर में सिर्फ 40 और 88 मिलियन पीपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, सीरियसली। सो अगर अब इधर हम टोटल देखें तो यहाँ पे एक अमाउंट मिसिंग है विच इज़ 231। सो 231 मिलियन पीपल प्राइमरी सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, अब देखो कितना फर्क है, ठीक। अब हम कैसे प्रोटेक्ट करें उन लोगों को, उन वर्कर्स को, कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो लोग होते हैं, अगर हम रूरल एरिया में देखें तो ये होते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस। सो अब देखो, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स है ना, वो ऑफकोर्स वो लैंडलेस है, तो आपने जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो बड़े फार्मर्स है ना उनके पास जाके काम करते हैं, और उन फार्मर्स का तो कुछ श्योर है ही नहीं, वो उन्हें मना कर दे कि तुम कल से मत आओ, ठीक है, या तो फिर वो मना कर देंगे कि हम इतना अमाउंट में नहीं तुम देंगे, हम तुम्हें सिर्फ इतने से ही अमाउंट में देंगे, ठीक है, इतना ही तुम्हें पे मिलेगा।
तो इन ये ऐसे जो फार्मर्स होते हैं ना, इनको इनको ना फैसिलिटी चाहिए, जैसे उनको टाइम पे डिलीवरी मिल जाए सीड्स की, उनको एग्रीकल्चर इनपुट्स मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, स्टोरेज मिल जाए, फैसिलिटीज़ और मार्केट आउटलेट्स मिल जाए, ठीक है। जबकि अगर हम अर्बन एरिया में देखें, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं, वो होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। जो और कुछ लोग इनमें से ऐसे होते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, और हेडलोड वर्कर्स होते हैं, गारमेंट मेकर्स होते हैं, और रैग पिकर्स होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इनको हेल्प करे, इनका रॉ मटेरियल और इनकी मार्केट ऑफ आउटपुट टाइम पे डिलीवर करे, ताकि ये लोग है ना ग्रो कर सके। तो उसके बाद जो मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स होते हैं शेड्यूल का, जो जो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज होती है ना, वही ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको देखा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप। अब ये ना काफ़ी काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, बिकॉज हम ना बहुत ही डेली डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। जैसे हम बोलते हैं कि पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपने सुना होगा, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये इस चीज़ से ना मतलब पहले से थोड़ा 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 ना हम इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। सो हम पढ़ लेते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एसेट्स और ऑल सर्विसेज, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का जो ओनर होता है वो होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को ओन करती है और कंट्रोल भी करती है। उसके बाद आती है प्राइवेट सेक्टर, जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी के हाथ में होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस, ये एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर के। रेलवेज हैं, ठीक है, ऑफकोर्स रेलवेज जो है वो गवर्नमेंट ही ओन करती है। उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, RIL आर प्राइवेटली ओन, ये तो हम लोगों को पता ही होता है, ठीक। अब उसके बाद है कि गवर्नमेंट हमें इतना सब कुछ प्रोवाइड करती है, नहीं, सबसे पहला ये है कि जो चीज़ें हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्या वो प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? बिकॉज रेलवे एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुत बड़ा कैपिटल की ज़रूरत है, और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी या अथॉरिटी इतना नहीं मैनेज कर पाएगी कि वो रेलवे बिछा पाए थ्रू आउट द कंट्री, ठीक। अब इतना तो हमें समझ आ गया कि इसके लिए लार्ज कैपिटल चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास ये कैपिटल कहाँ से आता है? क्वेश्चन तो आता है, राइट। अब गवर्नमेंट के पास वो कैपिटल और वो पैसा आता है उन टैक्सेस से जो हम उन्हें पे करते हैं, समझ रहे हो? मतलब जो टैक्सेस हम उन्हें पे करते हैं उसके बदले में गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक। इसीलिए अगर प्राइवेट अथॉरिटीज़ हमें ये चीज़ें जो गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब जो गवर्नमेंट देती है, वो दे भी दे, तो वो हमें एक रीज़नेबल रेट में नहीं होगा। एक तो वो दे नहीं पाएंगे बिकॉज लार्ज कैपिटल चाहिए, और अगर होगा तो वो एक रीज़नेबल कॉस्ट में नहीं होगा, ठीक है, जितनी रीज़नेबल कॉस्ट में हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद ये आता है, उसके बाद ना एक टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, और बुक में भी है बेसिकली। अगर सपोज एक विलेज है जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोग अनएम्प्लॉयड है, तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है या प्राइवेट कंपनीज है वो वहाँ जा सकती है, राइट, उस विलेज में जाके अब एम्प्लॉयमेंट बना सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो हो जाएगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट में मिल जाएगा। बट उस चीज़ के लिए पीछे से गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए मतलब क्या? आप बोलोगे अभी तो मैंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं, और अभी आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। कैसे? क्योंकि वो जो विलेज है उस तक रोड की फैसिलिटी हो, ब्रिजेस हो, रेलवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये चीज़ें तो कंपल्शन है ना, ये चीज़ें तो चाहिए चाहिए। कोई कंपनी अपनी 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 एम्प्लॉयमेंट वहाँ से नहीं चूज़ करेगी जहाँ पे लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है। ऐसी जगह कोई भी कंपनी अपनी इंडस्ट्री नहीं सेट करेगी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। कोई भी कंट्री ऐसी जगह पे अपनी जगह नहीं सेट करेगी जहाँ तक जाने के लिए रोड ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए पीछे से गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है ना हमारा, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग हैं,
और उनमें से काफ़ी अंडर एम्प्लॉयड भी हैं। तो इसकी इस प्राइमरी सेक्टर बेसिकली कहाँ है? आप देखोगे ना विलेज में, विलेजेस में काफ़ी ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है? तो उन विलेजेस में स्कूल्स होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ की हेल्थ रिलेटेड सब कुछ होना चाहिए ताकि लोग यू नो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो गवर्नमेंट का उस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? सो हियर दैट इज़ इट फॉर वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। और अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो मेक श्योर डैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो हियर हमने चैप्टर सेकेंड भी ख़त्म कर दिया है क्लास 10 का। सो थैंक यू वेरी मच।